गाइस ये जो सामने वाला आप घर देख रहे हैं यही है सोनू सूद सर का घर। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद सर का घर आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये मुंबई के एक बॉस इलाकों में स्थित है। काफी प्यारा ये घर है, देख लीजिए गाइस इस घर का नाम कैसा ब्लंका है। जी हाँ गाइस, गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी लोग को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं विवेक ज्ञान व्लॉग, दोस्तों आज किस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद सर का घर। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे सोनू सूद सर हमेशा डोनेट करते हुए नजर आते हैं, हर एक गरीब का ये मदद करते हैं। आप लोगों को बता दे गाइस, इसीलिए इनको सब लोग कहते हैं गरीबों के मसीहा। जी हाँ गाइस, आज मैं उन्हीं का घर दिखाने वाला हूँ। ये मुंबई में कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, इनका घर कैसा है और ये कब कब डोनेट करते हैं, सारी बातें आप लोगों को मैं बताता हूं। गाइस आप लोगों को बता देना ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहां पे बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को, चल के दिखाऊंगा उनका घर और आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा। जब वीडियो अच्छी लगेगी, हो सके आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम शेयर करने से बहुत सारे लोगों का मदद हो सकता है, तो गाइस पूरा वीडियो देखकर अगर मैं बहुत सारी बातें बताऊं उसमें आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया, प्यारा सा कमेंट अपने बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ सोनू सूद सर के घर के पास और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैसा ब्लंका। जी हाँ गाइस, यही है सोनू सूद सर का घर जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें यही है सोनू सूद सर का घर जो कि एक मुंबई के बॉस इलाकों में स्थित है। और गाइस आप लोगों को बता देना यही है जो गरीबों का बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। गाइस ऐसे इंसान है जो कि बॉलीवुड में पैसा तो ज़्यादा नहीं है इनके पास, लेकिन वो उसी में लोगों का हर लोगों का मदद करते हुए नजर आते हैं। गाइस आप लोगों को बता दे बॉलीवुड में लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन जितना ये सोनू सूद सर सबका मदद करते हैं उतना हर कोई नहीं करता है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे रोजाना ये डोनेट करते हुए नजर आते हैं। गाइस आप लोगों को बता दे हर वक्त इनके अपार्टमेंट के बाहर देखिए यहाँ पे लोग फॉर्म भर रहे हैं, हर वक्त आपको नज़र आएंगे यहाँ पे गरीब दुखिया लोग आते रहते हैं, अपना मदद यहाँ से लेके जाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि खाली हाथ जाए, सभी लोगों का यहाँ पे मदद होता है जहाँ तक हो पाता है सोनू सूद सर मदद करते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें इसी जो सामने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर रहते हैं जो कि एक मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित है और इस बंगलों का नाम कैसा ब्लंका है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को यहीं पे बात करें गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद सर के डेट ऑफ बर्थडे की बात करें तो इनका बर्थडे 30 जुलाई 1973 में इनका जन्म हुआ है, जो कि ये 49 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस आप लोगों को बता दे सोनू सूद सर ऐसे इंसान है कि हर किसी का ये मदद करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें यहीं पर जब लॉकडाउन लगा था ना, तो जब सब कोई यहाँ पे फंसा था मुंबई के अंदर, तो ये हर कोई का मदद करते हुए नजर आ रहे थे। यहीं पर काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे आप लोग पोस्ट वगैरह देखे होंगे जो यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ वाले चैनल वाले डाल रखे हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे इनके दो बच्चे भी हैं और ये जो सोनू सूद सर है इनकी वाइफ का नेम सोनाली सूद है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे जो इनकी वाइफ है उनको बॉलीवुड या मूवी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग ही आम तौर पर ज़िंदगी जीती हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें मतलब ये एकदम नेचुरली लोग रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस यही है सोनू सूद सर का घर जो कि गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले। देखिए गाइस यहाँ पे ये मेन गेट है। आप लोगों को बता दें गाइस सोनू सूद सर की अगर कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास मर्सिडीज और BMW, ओडी, रेंज रोवर, पोर्स्काइने जैसी लग्जरी कार है। अगर इनके मंथली कमाई की बात करें तो एक महीना में ये 2 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं और यहीं पे सालाना की बात करें तो 15 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। यहीं पे इनके टोटल नेटवर्किंग की बात करें तो 150+ करोड़ का इनका टोटल नेटवर्किंग है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे गाइस कि ये ना इनका जुहू में एक रेस्टोरेंट भी है और भी तमाम चीज़ें इनके हैं और ये विज्ञापन से भी काफ़ी अच्छे कमाई कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी आ चुका हूँ इनके मेन गेट के करीब और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा इनका पोस्टर लगा हुआ है, लिखा हुआ है द रियल हीरो सोनू सूद ऐसे मतलब लिखा हुआ है काफ़ी सारे बोर्ड पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को इसी बिल्डिंग के चौथे मंजिल पे रहते हैं। गाइस आप लोगों को बता दें सोनू सूद सर के पास
कार कलेक्शन तो सब कुछ है, लेकिन इनके पास एक स्कूटर भी है जिसकी आवाज़ ये सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके डैड का है जो कि ये उसका आवाज़ सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस आप लोगों को बता दें, अगर आपके नज़र में कोई भी गरीब दुखिया मजबूरी के हालात में होगा, जिसके पास खाने पीने रहने का वो सिस्टम नहीं होगा, तो आप लोग एक बार सोनू सूद सर के पास जरूर लाके उनका हेल्प करवाइएगा। क्योंकि गाइस हर किसी का मदद हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि गाइस हमारे वीडियो के अनुसार आप लोग जहां तक वीडियो देख रहे हैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि गाइस आप लोगों को बता देना, अगर कोई मजबूर होगा किसी का मदद हो सकता है तो गाइस आप लोग तो वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस, पूरा एड्रेस हम बता देते हैं, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में इनका घर है, जो इनका घर का नाम है कैसा बलंका। जी हाँ गाइस, आप लोग गूगल मैप पे अगर सर्च करके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोनू सूद द रियल हीरो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही है सोनू सूद सर का घर, देख लीजिए गाइस।